हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बारहवीं पास वालों के लिए दोस्तों बड़ी जबरदस्त वैकेंसी आउट हुई है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। दोस्तों आपका जो वर्क रहेगा वो होगा डेटा एंट्री से रिलेटेड, कोई भी आपका टफ काम नहीं होगा। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, आप सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों सारे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी टेक्निकल फील्ड ना कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोस्तों आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के अंतर्गत, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है सारी बातें इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। बेसिकली दोस्तों आपकी जो वैकेंसी निकली है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंतर्गत निकली है, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है दोस्तों, जिसमें 12th पास मांगा है। अगर सैलरी की बात करते दोस्तों 16179 यानी कि 16179 आपकी सैलरी बनेगी पर मंथ के हिसाब से। और दोस्तों एज की बात करें तो कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 18 साल, ज्यादा 25 साल। अगर आपकी एज 18 से 25 के बीच है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर देना दोस्तों। अप्लाई करने के लिए आपका एक भी रुपया चार्जेस नहीं लगेगा। दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं और जरूर इसको अप्लाई कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें 12th पास के साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको टाइपिंग आती है और आपकी 12th पास कंप्लीटेड है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं पक्की सरकारी नौकरी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट सेक्शन में ये मैसेज आते हैं कि सर हमें जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये प्रॉपर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, पक्की सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन जो आपका पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो एक्सटेंडेबल होता है। अब दोस्तों बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है उसकी लास्ट डेट की। दोस्तों इसकी लास्ट डेट है 5 फरवरी 2021। 5 फरवरी से पहले पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक दूंगा, उसको एक बार आप डायरेक्टली रीड आउट जरूर कर लेना। दोस्तों रीड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, अपना एक बायोडाटा बनाना है, एक रिज्यूमे बनाना है। अगर आपको रिज्यूमे बनाना नहीं आता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ है कैसे कैसे आप रिज्यूमे बना सकते हैं। रिज्यूमे के साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, जितने आपके पास डॉक्यूमेंट सब लगा के सेल्फ अटेस्ट करके आपको सेंड करने हैं इस मेल आईडी पे। दोस्तों ध्यान रखना 5 फरवरी से पहले पहले आपको ये सेंड करने हैं इस मेल आईडी पे और जरूर इसको सेंड कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी पोस्टिंग कहां होगी, बेसिकली आप कहां पे पोस्टेड हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आईसीएमआर के अंतर्गत आपकी पोस्टिंग होगी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के अंतर्गत आपकी पोस्टिंग होगी दोस्तों बोसारी पुणे, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो पुणे के अंतर्गत होगी। अगर दोस्तों आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप भी ये फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। और जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो होगा ऑनलाइन, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस भी हो सके कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है, सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।